हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट स्काईब्लॉक सीरीज। और आज के एपिसोड में हम बनाएंगे अपने लिए मेलन, शुगर केन और पम्पकिन फार्म। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस कि मैं वापस सैंड वाले एरिया में आ गया हूँ और यहाँ से हम ले जाते हैं अपना पम्पकिन, शुगर केन और मेलन, और ये थोड़ी सी सैंड भी ले जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए। तो ये मैंने ऑफलाइन यहाँ पर आके सीढ़ियाँ लगा ली थी और अपने मींस को अपने जो प्लेटफॉर्म है मेरा है। ये क्या, इधर बारिश नहीं हो रही, उस तरफ बारिश हो रही है, ये कैसे माइनक्राफ्ट है? तो मैं आपको बताया था कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ऑफलाइन। तो अब मुझे फार्म बनाने के लिए वाटर चाहिए और वाटर और डर्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ मैं कौन से फेस पे जाऊँ, क्योंकि वाटर और डर्ट एक साथ कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो अभी मैं नीचे गिरने लगा था, ओए नीचे गिरने का नाम लेता था साथ ही, वो भी आ गया। ओ ये मेरा ये दरख्त भी हो गया। तो ये हम लामा को रख लेते हैं अपने पास इधर, मैं लीड वापस ले जाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि हमें ऐसा कोई जगह चाहिए जहाँ पर पानी और डर्ट एक साथ हो। तो मैं सबसे पहले वो देख लेता हूँ कि कौन सा लग रहा है। मैं 2 मिनट अपने चंक्स इंक भरा देता हूँ क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। तो गाइस मैंने चंक्स हाई कर दिए हैं और अब देखते हैं वो है स्नो वाला, वो मेरे हाथ से फॉरेस्ट है, वो भी फॉरेस्ट है। तो यहाँ से तो चार ही नज़र आ रहे हैं। उस तरफ एक मशरूम था क्योंकि हम सैंड वाले पे खड़े थे, वहाँ से मशरूम वाला नज़र आ रहा था। तो आई थिंक सो उस वाले पे हमें जाना चाहिए, लेकिन उधर पानी आई डोंट नो, लेकिन हम चलते हैं उस तरफ। तो उससे पहले मुझे थोड़े से कोबल स्टोन स्लैब चाहिए होंगे, तो मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ। तो गाइस हमारे साथ प्रैंक हो गया है और मैं इतनी जोर का डर हुआ, आपकी सोच है मेरा दिल गले में उछल के आ गया और पता नहीं मैं कौन सा कहाँ पे रास्ता बना था। ये फैंटम पता नहीं कौन सा फैंटम ही था मेरे ख्याल से। तो मैं बेड तो बनाने से रहा और इसने मेरे 2 स्टैक ज़्यादा करवा दिए। इतनी ज़ोर का मैं डरूँ, अब मुझे पहले फिर से सारे कोबलस्टोन माइन करने पड़ेंगे। तो गाइस मैं फिर से दूसरी दफ़ा 2 स्टैक्स के कोबलस्टोन स्लैब्स के नीचे गिर गया उनके समेत। तो अब मुझे आ रहा है फैंटम पे गुस्सा। तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट सुबह होने के, वेट करने के। तो हम ये कर सकते हैं कि मैं ये दरख्त तोड़ लेता हूँ और फिर यहाँ से दोबारा सैपलिंग लगा देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि रात के वक्त फैंटम आके हम मुझे नीचे गिरा जाता है। तो हम यहाँ पर ये दरख्त तोड़ के सैपलिंग दोबारा लगा देते हैं और इसको टूटने में भी टाइम लग रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है फैंटम पे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको अकेले जाके लड़के आते हूँ 2 मिनट, मेरे पास शॉर्ट भी नहीं है। देखता हूँ फिर से आता है हाल ही अगर मैं जाऊँ तो। अब क्यों नहीं आ रहा? हाँ मैं एक्टिंग करती हूँ लगाने की। तुम, तुम। तो गाइस अब फैंटम डर गया मेरे से, अब नहीं आ रहा। तो अब हम ओए मैं फैंटम की बात कर रहा था, यहाँ पे स्केलेटन्स आ गए हैं और ये स्पाइडर वगैरह भी आ गए हैं, ये मुझे जीने नहीं देंगे। तो यार ना ऐसे ना करो प्लीज, अभी ने मुझे इतना मारना है आपकी सोच है। ओ क्रीपर नहीं। तो गाइस मैं तीसरी दफ़ा फाइनली उठ चुका हूँ और इधर क्रीपर है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि क्रीपर हमें कुछ करना पड़े। तो गाइस अब मैं सुबह होने का वेट ही कर सकता हूँ, तो मैं जैसे सुबह होती है। तो गाइस ये मैंने सारी रात मींस कोबलस्टोन माइन करके गुजारी है और ये एक सैपलिंग कहाँ पे गई नज़र आई थी अभी मैं जब एंगल बना रहा था ये रहा। तो मैं खुद ही तोड़ लेता हूँ। नीचे मैंने एक सैपलिंग लगा दी है, पिछले दरख्त से 2 मिली थी और ये 2 सैपलिंग्स नीचे गिर चुकी हैं। मेरे ख्याल से हर दरख्त से 2 मिलती हैं, एक किधर गई, एक ये है और दूसरी किधर गई, मैंने यहाँ ये मैं कहा मैंने अभी देखी थी। तो हम इनको रख देते हैं यहाँ पर और ये मैंने रात को सिर्फ इतने से कोबल स्टोन तोड़े, इतनी देर में दिन हो गया। तो अब हम फटाफट उस तरफ एक्सटेंड करते हैं। 64 मेरे हाथ से कम है, मैं थोड़े से और माइन कर लेता हूँ तो फिर हम चलते हैं कोबल स्टोन देख कर। ये चार ही पड़े,
तो हम थोड़े से और तोड़ लेते हैं, पिकेक्स बिल्कुल एंड पे है। तो गाइस मैं इस आइलैंड पे पहुंच गया हूं और यहां पर डॉगीज हैं जो मुझे काटने को दौड़े हैं। और ये तीन डॉगी हैं और बैरी लगी हुई है, और इधर हमारा आना नाकाम हुआ है क्योंकि यहां पर वाटर का एक भी नाम निशान नहीं है। तो यहां से हम वापस चलते हैं और अब अगले आइलैंड की तरफ मैं उदी बनाकर फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। मैंने एक मीन्स स्लैब्स तो बना लिए हैं, तो अब फटाफट अब चलते हैं उस वाले पे क्योंकि वो मुझे लग रहा है ओक वाला, ये स्प्रूस वाला दूर से नहीं नज़र आ रहा था। मैं फटाफट उधर पहुंच के दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमें पानी मिल गया है और ये अभी मैं पहले ही यहाँ पर आया हूँ। ये दूसरा ओह चेस्ट भी है वहाँ पर, तो वहाँ पे हम बाद में चेस्ट देखेंगे, बल्कि मैं रास्ता बना ही लेता हूँ यहाँ से भी कि अभी चेस्ट देख पानी लेने आए तो नहीं है, तो हम चेस्ट भी बना ही लेते हैं, नीचे से ही रास्ता बना लेता हूँ। यहाँ से हम इसका ऐसे करके रास्ता भी बना लेते हैं, यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। ओह सॉरी, तो इसके अंदर है ये क्या है, माई सीलियम और ब्राउन मशरूम वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए, ये मैं तोड़ लेता हूँ। ये क्या है पता नहीं, मशरूम ही है। तो ये हम रास्ता तोड़ लेते हैं, बाद में कभी बना लेंगे सही करके। तो मेरा मकसद था पानी लाना, तो मैं पानी ले जाता हूँ यहाँ से, और मेरे पास एक ही बकेट है तो हम अपना एक वो तोड़ निकाल लेंगे वहाँ से, बकेट से वाटर जो मेरा वो बना हुआ है ना उसको कोबलस्टोन जनरेटर, तो हम वहाँ से एक बकेट निकाल लेंगे तो इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना के यहाँ पर वापस आके डाल दूंगा। तो मैं सब कुछ करके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पर आगे करके थोड़ा सा यहाँ से साइड से निकाल के हम यहाँ पर इंटरनेट वाटर सोर्स बना लें, लेकिन वो जीप से लगेगा तो हम अपने ही ये सीढ़ियों के पास बना लेते हैं। यहाँ पर चार का ही होता है मेरे हाथ से, तो ये सीढ़ियों के पास नहीं 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 ऐसे नहीं बनेगा। मेरी पिकेक्स टूट गई थी माइन करते हुए, तो नहीं बनानी पड़ेगी। तो गाइस हमारा इन्फिनाइट वाटर सोर्स बन गया है और अब सुबह होने का मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा, तो जैसे सुबह होती है तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर। तो गाइस सुबह हो गई है, तो अब हम अपने फार्म्स बनाना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फार्म्स कहाँ पर बनाना शुरू करने हैं। आई थिंक सो ये वाटर जो हमने इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाया है इसके पीछे से ही हम शुरू कर दें। तो हम यहाँ से रास्ता ले जाते हैं पीछे की तरफ, तो उससे पहले बकेट रखा तो थोड़े से कोबल स्टोन्स माइन कर लेता हूँ स्लैब्स बनाने के लिए। तो गाइस हम तीनों के तीनों फार्म आगे की तरफ इधर से एक्सटेंड करके बनाएंगे क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्स नज़दीक है, तो हम यहाँ से बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस स्ट्रक्चर तो सारा तैयार हो गया है, बस अंदर सीड लगाने रह गई हैं, तो वो मैं ये ले जाता हूँ यहाँ से सारे तीनों, और ऑफलाइन जब ये ग्रो कर जाएंगे तो मैं इनमें से बार बार इनको तोड़ के दोबारा लगाता जाऊँगा। सबसे पहले हम शुगर केन लगा लेते हैं यहाँ पे। ओप्स मैं हो तो बनाना भूल गया, तो मैं हो बना के लाता हूँ। तो गाइस ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके हो बना ली है, ये मुझे भाई ने बताया है ऐसे बनती है। हम ये दो मिनट इसको मैं फटाफट कर लूँ। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं मेलन, यहाँ पर लगा लेते हैं पम्पकिन।
आज गाइस हमने कंप्लीट किए हैं 4 चैलेंजेस, जिसमें से था एक इनफिनाइट वाटर सोर्स और 3 थे फार्म्स बनाने थे 3। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।